लगे हुए हैं। कृपया सबसे अनुरोध करता हूँ कि अति आलापुर तहसील के मेरे अन्नदाता किसान बंधुओं, आज जो हमने माल मोड़ की खेती बाड़ी के कार्य के लिए जो ताजापुर तहसील में उपस्थित हुए, उसके लिए भारतीय किसान संघ धन्यवाद किसान बंधुओं। क्योंकि जब बैठे क्योंकि सभी आखिर साजापुर जिले में 2000 से ऊपर की जनसंख्या के रूप में आखिर क्यों उतरे किसान रोड पर, देखिए वीडियो को पूरा अंत तक। मेरा सभी किसान संघ के सदस्यों से अनुरोध है कि जिस भावना से आपने मुझे आज ये ज्ञापन दिया है, उसी भावना के साथ में ये शासन को प्रेषित कर दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो। देश का अन्नदाता किसान खेत छोड़कर सड़क पर आया है साजापुर जिले में, क्या मुद्दे हैं? आज भारतीय किसान संघ साजापुर तहसील ने किसानों की समस्या को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम दिया है, जिसमें देश की आयात निर्यात ठीक होना चाहिए। सरकार ने किसानों के प्याज भाव बढ़ने पर जो निर्यात पर ड्यूटी लगाई है वो तुरंत वापस ले और किसानों को अपने प्याज का उचित मूल्य मिले। एक हमारा ज्ञापन का मूल मुद्दा प्रधानमंत्री का था, आलू प्याज लहसुन टमाटर इसे अनेक सारी फसलें जो है, हम चाहते हैं केंद्र सरकार से जब जब फसलें आती किसानों की तब निर्यात चालू रखे, कोई आयात ना करे और किसानों को अपने फसल का भाव उचित मिले। अभी सोयाबीन की फसल भयंकर नुकसान है जिले में, इस पर क्या कहना चाहते हो? जिले में किसानों को सोयाबीन की फसल में लगभग 80% नुकसान हुआ है। हमने सरकार से मांग की है कि सरकार तुरंत किसानों को राहत राशि प्रदान करे RBC 6-4 के तहत, उसके साथ सर्वे कराकर किसानों को उचित बीमा मिलना चाहिए। वर्तमान में समय में किसानों का जो पिछला बीमा मिला है 2021 का, अनेक किसान छूट गए हैं, उन्हें बीमा नहीं मिला। हल्के पूरे छूट गए हैं, ऐसे हल्के भी हैं जहाँ आधे किसानों को मिला आधे बीमा नहीं मिला। इस किसान की गलत नीतियों के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण अनेक किसान छूट गए हैं। बीमा उनको मिलना चाहिए, सोयाबीन का सर्वे होना चाहिए नुकसानी का। आपका संगठन में क्या दायित्व? मेरा नाम महेश चौधरी, भारतीय किसान संघ, श्रम मंत्री मध्य प्रदेश। भगवान बलराम की जय। भगवान बलराम की जय। किसानों ने उठाना है, इसका भाव बढ़ाना है। किसानों ने भरपाई कीजिए, भोले विभाग का नाम तो मुआवजा है, हो पाया क्या?